दिल्ली से लेकर पंजाब और राजस्थान के आसमान पर आफत की धूल छाई है। पहले से गर्मी से बेहाल इन राज्यों पर खतरनाक धूल ने डबल अटैक किया है। बच्चे बुजुर्गों को सांस लेने की परेशानी हो रही है। सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए धूल कितनी खतरनाक है इसका सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। चंडीगढ़ में यह धूल का कहर इस कदर है कि सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ऊपर से मौसम विभाग का कहना है कि यह आफत अगले 72 घंटे तक चलने वाली नहीं है। एक तो प्रचंड गर्मी और ऊपर से आसमान पर छाई धूल, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक यही हाल है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। बच्चे बुजुर्गों का तो बुरा हाल है। दरअसल पूरी दिल्ली और एनसीआर ही नहीं, चंडीगढ़ तक इस धूल ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। चंडीगढ़ के आसमान पर तो धूल इस कदर छाई है, वहां से सभी फ्लाइट्स की उड़ान रद्द कर दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक इस धूल की वजह है राजस्थान में आने वाली धूल भरी आंधी। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में धूल भरी हवा चल रही है। 20,000 फीट की ऊंचाई से हवा राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में तापमान ज्यादा और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से धूल के कण दिल्ली आ रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, लिहाजा हवा में मिले धूल कण जमीन से कुछ ऊंचाई पर जमा हो गए हैं और इस वजह से दिल्ली और राजस्थान धूल के चैम्बर में बदल गए हैं। और परेशानी की बात यह है कि ये हालात अगले 3 दिन तक रहने वाले हैं। राजस्थान की हवाएं हमारी तरफ आ जाएंगी और वो उनकी स्पीड तेज होगी, तो ऐसे में धूल आ जाएगी। और क्योंकि आपको पता ही है टेम्परेचर पहले ही 40 से ज्यादा है, तो धूल भी बड़ी लाइट हो जाती है, एक तरह से उनका वेट कम हो जाता है और हवाओं के साथ उठकर वो एक एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच जाती हैं। और ये जो डस्टी वेदर हम दिल्ली में देख रहे हैं, ये जो साउथ वेस्टर्ली हवाएं राजस्थान से आ रही हैं, उन्हीं के साथ हमारे यहाँ पहुंची हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। इस लेवल को गंभीर स्तर का माना जाता है। गुरुवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार में पीएम 10 का लेवल सबसे ज्यादा 929 रहा। धूल की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का आलम क्या है, जरा इस पर नजर डालिए। तारीख 12 जून, पार्टिकुलेट मैटर 10 के लेवल पर 505, वहीं 13 जून को यानी दूसरे दिन ये लेवल 823 पर पहुंच गया और तीसरे दिन यानी 14 जून को 929 पर। जरा सोचिए प्रदूषण के चक्र में पहले से ही उलझी दिल्ली को धूल के इस अटैक ने कितना बेहाल कर दिया है। इस आफत की धूल की वजह से खासकर बच्चों और बुजुर्गों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 10 से बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर आएगा, जब पीएम 10 आएगा तो लंग्स में अस्थमा करेगा, पीएम 2.5 आएगा तो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करेगा, इसके साथ में पेट्रोल पंप के पास में बेंजीन बढ़ेगा। लेकिन जब डस्ट ज़्यादा आती है तो हमेशा डस्ट के टाइम पे पार्टिकुलेट मैटर हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा। पीएम 2 जो 10 है वो हमारे को इस प्रकार की खांसी कर सकता है, अस्थमा को वर्षण कर सकता है, सीओपीडी को वर्षण कर सकता है। सवाल है आखिर कब मिलेगी इस आफत की धूल से निजात। ये ऐसी सिचुएशन अराइज इसीलिए हुआ है दिल्ली में कि राजस्थान में जो धूल चल रही है, धूल भरी आंधी चल रही है, उसकी वजह से उधर की धूल जो है वो दिल्ली की तरफ को मूव कर रही है। और दिल्ली की अपनी जो विंड स्पीड है, अपनी जो हवा है, वो थोड़ी उसकी स्पीड कम थी पिछले 2 दिन से, तो जिसकी वजह से डिस्पर्शन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए जो कंटिन्यूस लेवल्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी दिल्ली से लेकर पंजाब और राजस्थान तक दम घोटू धूल से बचने का फिलहाल कोई उपाय नहीं है। दिल्ली में इसके कहर से बचने के लिए कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने और पानी का छिड़काव करने की बात चल रही है, लेकिन इन उपायों से प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर को कम करने में कितनी मदद मिलेगी फिलहाल बता पाना मुश्किल है। लिहाजा खतरनाक धूल से आप फिलहाल बंद कमरे में या मास्क के जरिए ही बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।